त्योहारों के मद्देनजर पुलिस विभाग की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की बैठक एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसबी के डीआईजी एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे, सीओ क्राइम परवीर सिंह के अलावा जीआरपी, आरपीएफ, एयरफोर्स, एसटीएफ, एलआईयू सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित दिए कि आपसी सामंजस्य बैठाकर दिवाली और छठ के पर्व को सकुशल संपन्न कराया जाए। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। And all units who are here participating in conference, Air Force, Army, and so on, are all involved. और कौन नहीं? आर्मी भी नहीं है। आर्मी दूसरा हो और कोई यूनिट पीटीसी को भी इन्वॉल्व करना था। आरपीएसएफ के सर आने वाले हैं, ऑन वे हैं सर, जस्ट अभी दो मिनट में अप्रोच करेंगे। प्रत्येक मैच सर एसटीएफ से कांस्टेबल मैच प्रभारी साहब अपने स्तर पर निकले हैं। कहाँ से? एसटीएफ प्रभारी अपने स्तर पर बाहर। ठीक है, आप दोनों एसटीएफ से? यस सर। वेरी गुड सर। सर श्याम दुर्गा एसओ जी आपकी बार आई। जी जी, जैसा कि आपको पता ही है त्योहारों का सीज़न है और लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए मल्टी एजेंसी एक मीटिंग ली गई जिसमें एसएसबी, जीआरपी, पीएसी और इस तरह के जितने भी यूनिट्स यहां पर हैं, रेलवे, एयरफोर्स, सभी को बुलाया गया था और एक जनरल डिस्कशन के लिए सिक्योरिटी सिनेरियो डिस्कस करके, जिससे सभी में आपस में तालमेल हो और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इत्तला दें और अफवाहों से बचें, भाईचारे और शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्यौहार मनाएं।